महू जनपद पंचायत परिसर में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में जनपद सीईओ हेमेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन किया है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने बताया कि ग्राम पंचायत चोरल का आदिवासी मोहल्ला में भाजपा के दबंग लोगों के द्वारा नाली पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया है, जिसके कारण ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने जनपद पंचायत सीईओ हेमेंद्र सिंह चौहान पर बीजेपी के दलाली करने और बीजेपी नेताओं के इशारे पर कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी के दलाली एवं कार्यकर्ता के रूप में जनपद पंचायत में नौकरी कर रहे हैं, जबकि भाजपा की भाटखेड़ी पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसी ही एक और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा समर्थित कोदरिया पंचायत के पूर्व सरपंच पर चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कलेक्टर और एसडीएम के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार अभिषेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान, पूर्व पार्षद अजय वर्मा, इंदर सिंह ठाकुर, रामेश्वर पटेल, अशोक सैनी, जिला जनपद सदस्य रुक्मणी निनामा, कन्हैया लाल ठाकुर, रूमा भुरु भाई, मनाल पंत, हुकुम सिंह आंजना आदि सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। पंचायत का जो ब्लेम लगाया हुआ है सीओ की लापरवाही का, क्या कहना आपका? बीजेपी का जो भी उम्मीदवार था उसकी जमानत जब्त हो गई है, और दूसरी पहली बार जब मैं लड़ा था जब भी जमानत जब्त हो गई, वहाँ के लोगों से बीजेपी बदला ले रही है। आपके आपने जो कार्य के लिए मोहरम डाली गई थी, उस मोहरम को सीओ ने अपने दबाव में हटवाया है, तो मतलब पहले आपको सूचित किया था, आप सरपंच होने के बाद भी सूचित सीओ को दबाव, सचिव को दबाव बना रहा था सीओ की, उठाओ उठाओ उठाओ, और मंत्री जी का प्रेशर है उषा ठाकुर का, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 400 वोट मुझे मिले, 60 वोट उसको मिले, तो वहाँ की जनता से बदला ले रहा है सीओ। नहीं तो सीओ ने आपको बिना सूचित, ठाकुर की रोज सीओ ने बिना सूचित के मोहरम उठाया था, सूचित दिया ना, सचिव को प्रेशर बनाया ना उन्हें तेरा रिकॉर्ड, जबकि आप सरपंच, आपको कोई सूचित नहीं किया गया? नहीं, मुझे नहीं किया। आपका नाम? अशोक सैनी, चोरल सरपंच। चलते चुनाव में इन्होंने कागज जब्त किए, आचार संहिता लगने के बाद मनमाने ढंग से जांच की और जांच करके कायमी की और छावनी बना करके चुनाव जीता, नंबर एक। तो ऐसी अनेक पंचायतों की जांच हो गई है, जैसे खुर्दा है, खुर्दी है, साथ में कोदरिया है, आपकी भाटखेड़ी है, आपकी मेमदी है, इसमें अनेक भ्रष्ट और काम भी नहीं हुए, लाखों के काम वैसे ही अधूरे पड़े हैं, और नहारखेड़ी, और ऐसी अनेक पंचायतें हैं जिनकी जांच हो गई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अभी हाल ही में ग्राम पंचायत चोरल के अंदर आदिवासी मोहल्ले में सरपंच द्वारा पानी घुटने घुटने भरा था, मैं भी पंचायत चुनाव में गया था, महिलाएं, एक मिनट बोलो मत पीछे, महिलाएं कपड़े ऊंचे करके वहां से निकल रही थी, स्कूल के बच्चे निकल पा रहे थे, आदिवासी हमारे सरपंच के चुनाव प्रत्याशी अशोक सैनी के प्रचार में मैं गया था, बोल रहे थे कि ये आपको पानी आपको ठीक करना है, और उसी के कारण उन्होंने जितवाया है चुनाव, जीत करके जब देखा तो पंचायत में फंड नहीं था, और जब फंड नहीं था इन्हीं सीओ साहब के कारण वहाँ भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, और पैसे नहीं थे तो सरपंच ने खुद ने कहीं से भी व्यवस्था करके वहाँ मुहरम डलवाई, उस मुहरम वहाँ पानी इसलिए भर रहा था कि मंत्री के खास लोगों ने नाली पर ही मकान बना लिए, उन लोगों को वो नगवार गुजरा, और वहाँ पर वो मुहरम उठवाने के लिए उन्होंने दबाव बनाया, मंत्री का दौरा करवाया, मंत्री ने सीओ को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में ये मुहरम उठना चाहिए, जब वो मुहरम उठाने गए तो वहाँ की महिलाएं उनको चप्पल लेके मारने दौड़ी, नहीं उठान दिया, दूसरी बार जेसीबी लेके सीओ ने पुलिस के साये में वो मुहरम उठवाई, आज वहाँ डेंगू हो रहा है, पानी भरा हुआ है, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं बीमार हो रही है, इस प्रकार के कृत्य के लिए उन पर एफआईआर हो, इसलिए ये आज हमने धरना किया गया। हमारे सरपंच से हरा प्रत्याशी है बीजेपी का, उससे अध्यक्षता करवा दी,
इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या गया, इससे ज़्यादा चापलूसी ये सीओ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वो लिस्ट आई है और उस लिस्ट को इन्होंने जारी की है और उस पर दस्तखत भी नहीं है।